नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है मोर, और जब मोर का खूबसूरत सतरंगी पंख कान्हा के मुकुट में सजता है तो यही पंख चमत्कारी और शक्तिशाली बन जाता है, जिसके छोटे छोटे उपाय न केवल कुंडली में ग्रहों की अनुकूलता लाते हैं बल्कि घर के वास्तु दोष को भी दूर कर देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मोर पंख के रहस्य। भगवान कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर का पंख आखिर क्यों दिखता है? भगवान कार्तिकेय ने मोर को ही अपना वाहन क्यों चुना? और कैसे मोर पंख के छोटे छोटे उपाय आपको दिला सकते हैं बड़ा फायदा? चलिए जानते हैं। श्रीहरि की परम कृपा दिलाएगा मोर पंख। नौ ग्रह दोष दूर करेगा मोर पंख। वास्तु दोष दूर करेगा मोर पंख। धार्मिक शास्त्रों में मोर को शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है। मोर भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। मोर में भगवान कृष्ण को राधा की छाया दिखती थी। श्री कृष्ण तो अपने शीश पर मोर पंख धारण करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने कुंडली के दोषों को काट के और अपने ग्रह दशा को अनुकूल करने के लिए भी मोर का पंख अपने मुकुट में धारण किया। श्री कृष्ण ही ऐसे विष्णु भगवान के अवतार हैं जिन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण किया। इस कारण से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और भगवान कृष्ण को मोर पंख इसी कारण से अति प्रिय है। लेकिन मोर के पंख में इतनी शक्ति होती है कि वो न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। आपकी कुंडली में नौ ग्रह के दोष दूर करता है। आपका दाम्पत्य जीवन मंगल बना सकता है। संबंधों में मधुरता लाता है मोर पंख। यह उमंग, उल्लास, सौंदर्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है मोर पंख। किसी भी शुभ कार्य में इसको लगाया जाता है और विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण जी ने अपने मुकुट में भी इसको धारण किया है, इसलिए यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। मोर पंख से हमारे जीवन में शुभता का संचार होता है, इसी से शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व है। मोर पंख का ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि मोर पंख के प्रयोग से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत संभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से मोर पंख बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ सरस्वती, भगवान कृष्ण, महालक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय और भगवान गणपति सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में भी महर्षियों ने मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोर पंख जिस स्थान पर रहता है वहां पूरी शक्ति का प्रभाव नहीं रहता। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है, जबकि मोर का जन्म भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पंख से हुआ और मोर को सतरंगी खूबसूरत पंख भगवान इंद्र के वरदान की वजह से मिला। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक राक्षस था। संध्या असुर ने कठोर तप करके शिव जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। आसुरी शक्तियों की वजह से संध्या बहुत ही शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को परेशान करने लगा था।
संध्या ने स्वर्ग पर कब्जा कर देवताओं को बंदी बना लिया। सभी देवता और नवग्रह तब एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। मोर के फैले पंख संध्या के वार से देवताओं की रक्षा करते और मोर के पंख के पीछे से देवताओं ने प्रहार कर संध्या का संहार कर दिया। युद्ध में देवताओं की विजय के बाद इंद्र ने प्रसन्न होकर मोर को चमकीले पंख होने का वरदान दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। मोर का पंख जीवन में होने वाले संकटों से मुक्ति दिलाता है। साथ ही अगर विधि पूर्वक मोर पंख को स्थापित कर लिया जाए तो घर के वास्तु दोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। जब सूर्य की प्रथम किरण जब घर पे पड़ती है तो वो मोर पंख से टकराते हुए घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर से अपने आप दूर हो जाती हैं। कृष्ण भक्त मानते हैं कि कान्हा के मुकुट को मोर के पंख से सजाने से जीवन से दुखों का अंत तो होता ही है, साथ ही मोर पंख से कान्हा प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने तो अपने शीश पर उसे धारण किया। जी हाँ, मोर पंख जो दिव्य प्रभाव से भरपूर है, मोर पंख उनके संदेश का प्रचारक है। भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं में है कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे थे तो राधा जी नृत्य कर रही थीं, और जब राधा जी नृत्य कर रही थीं तो मोर भी नाचने लगे, और इसी दौरान मोर का एक पंख जो है वो जमीन पे गिर गया, जिसे भगवान कृष्ण ने उठा के अपने मुकुट पे धारण कर लिया। तब से ऐसा माना जाता है कि मोर पंख राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। कान्हा के पास मोर पंख होना राधा से उनके अटूट प्रेम की निशानी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में भी मोर नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। मोर पंख दिखने में जितना खूबसूरत होता है, उसे घर में रखना उतना ही फायदेमंद भी। मोर पंख के प्रयोग से आप कुंडली के अशुभ ग्रहों को भी शुभ कर सकते हैं। यही नहीं, मोर पंख के प्रयोग से घर का वास्तु दोष भी हो सकता है ठीक। चाहे कुंडली के नवग्रहों को बलवान करना हो या फिर आप वास्तु दोष से छुटकारा चाहते हो, मोर पंख के प्रयोग से इन तमाम परेशानियों का अंत संभव है। मोर के पंख के प्रयोग से अमंगल टल जाता है। सनातन धर्म में मोर के पंख में सभी नौ ग्रहों का वास बताया गया है। अलग अलग मान्यताओं की माने तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मोर पंख के प्रयोग भी चमत्कारी माने गए हैं। मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो उसे देखकर हमारा मन भी आनंद और प्रेम से नाच उठता है। मोर पंख सभी देवी देवताओं को प्रिय है। मान्यता ये भी है कि मोर पंख के दिव्य प्रयोग से आप नौ ग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं। ज्योतिष में मोर पंख को नौ ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। मोर का पंख कुंडली के नौ ग्रह के दोषों को शांत करता है। कैसे ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि घर में मोर का पंख कैसे आपके घर को एक कवच देता है और घर के सभी वास्तु दोषों को करता है शांत। देखिए, मोर पंख जैसा कि मैंने बताया कि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक चीजों को घर से दूर करता है, तो मोर पंख हमें घर में जो दक्षिण और पश्चिम के कोने की तरफ कमरा होता है, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, जो घर के मुखिया का कमरा होता है, वहां पर इसको स्थापित करना चाहिए। इसको वहां पर स्थापित करने से
घर के मुखिया की पकड़ घर पे मजबूत रहती है और उसका कहना सभी लोग मानते हैं। प्राचीन काल से ही मोर पंख को औषधि में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसकी महत्ता काफी है। मोर पंख में नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की ऊर्जा होती है, जिसके कारण ये नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देता। अपने घर में मोर पंख को ऐसी जगह रखें जहां सभी सदस्यों की नजर इस मोर पंख पर पड़े। ऐसा करने से उस जगह का वास्तु दोष कम हो जाता है। मोर का पक्षी और मोर का पंख दोनों ही केवल सनातन धर्म में सौभाग्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी मोर के पंख को स्वर्ग और सितारों की निगाह से जोड़ा जाता रहा है। मोर पंख के दिव्य प्रयोग से आप नौ ग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, नौ ग्रहों के प्रभाव को मोर पंख लगाने से सबसे पहले यह होता है कि ग्रहों की जो पापी ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको मोर पंख सोख लेता है, और ग्रहों से जो सकारात्मक रश्मियां निकलती हैं उसका फैलाव हमारे मन मस्तिष्क पे हो जाता है, जिसके कारण नव ग्रहों का, खराब ग्रहों का कुप्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता और अच्छे ग्रहों का शुभ प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ जाता है। कुंडली के अशुभ ग्रहों की दशा महादशा के दुष्प्रभाव को मोर पंख के प्रयोग से कम किया जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का दुष्प्रभाव अधिक हो, उन्हें अपनी जेब में हमेशा मोर पंख के चांद वाला हिस्सा जरूर रखना चाहिए। अपने बच्चों के सोने वाले स्थान पर भी आप कुछ मोर पंख रख सकते हैं। नजर लगने की समस्या से मुक्ति मिलती है और वो स्वस्थ भी रहते हैं। दिव्य प्रभावों से भरपूर है मोर पंख, इसलिए ज्योतिष और धर्म में इसका इतना अधिक महत्व है, तो अब आपको जीवन में जैसी भी परेशानी हो उसी के अनुरूप मोर पंख का प्रयोग कीजिए। आपके जीवन में सभी कष्ट कलेश दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं और कार्तिकेय तो मोर की सवारी करते हैं। ऐसे में मोर पंख का महत्व और भी बढ़ जाता है। मोर पंख से होती है नवग्रह शांति, दूर होता है वास्तु का दोष, ये सब कुछ आपने जान लिया। चलिए अब आपको बताते हैं एकाग्रता बढ़ाने के लिए मोर पंख का दिव्य प्रयोग आखिर क्या है। मोरपंख का ज्योतिष में बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि मोरपंख के प्रयोग से जीवन की तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार अगर आपको कोई विरोधी या शत्रु परेशान कर रहा है तो भी मोरपंख एक कारगर उपाय है। देखिए, मोरपंख में शत्रु बाधा को भी दूर करने की अचूक क्षमता है। आप देखे होंगे मोरपंख में आंख की आकृति दिखाई देती है, तो ये हमारे शत्रुओं को, जो शत्रु हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रहते हैं उनकी दृष्टि को ये परावर्तित कर देता है, हमारे मन मस्तिष्क पे उनको नहीं पहुंचने देता है। इस कारण से शत्रु हंता योग भी बनता है मोर पंख को रखने से। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि अगर बच्चों की एकाग्रता कम है या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भी आप मोर पंख का प्रयोग कर सकते हैं। मोर पंख को माता सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। पढ़ाई में जिन बच्चों का मन नहीं लगता वो एक मोर पंख लें, माँ सरस्वती का ध्यान करके मोर पंख पुस्तक के बीच में रखें। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। मोर पंख से एकाग्रता में बहुत वृद्धि होती है। आपने बचपन में अनुभव किया होगा कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो किताब या कॉपी के बीच में हम मोर पंख रखते थे। वो इसी से रखते थे कि इससे विद्यार्थी की एकाग्रता क्षमता भी बढ़ती थी और उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती थी, ताकि जो हम अध्ययन करें वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाए, जल्दी से समझ आ जाए, और एकाग्रता अच्छा होने से हम विषयों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और विद्यार्थी जब परीक्षा में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है तो वो अव्वल आता है। जानकारों की माने
तो शुभ मुहूर्त में मोर पंख का प्रयोग करके हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करने होंगे ये उपाय। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में 27 मोर पंख स्थापित करें। रोली मोली चावल धूप दीप भगवान श्री राधा कृष्ण को अर्पण करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा लगातार 40 दिन तक करें। 40 दिन बाद यह मोर पंख उठाकर अपने घर ले आएं। मोर पंख धन रखने वाले स्थान या पूजा स्थल में रखें। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और हर कार्य में सफलता मिलेगी। जैसे आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर मोर पंख आप अपने दुकान में स्थापित करते हैं, रखते हैं या अपने पॉकेट में रखते हैं, तो आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। आप व्यापार में जो भी अच्छा निर्णय लेंगे उसका साक्षात प्रभाव आपके व्यापार के ऊपर पड़ेगा। मान लीजिए शादीशुदा जीवन में अगर संबंध खराब हो रहे हैं पति पत्नी के बीच में, तो ये संबंधों को भी अच्छा करता है। तो जैसी आपकी परेशानी हो उसी के अनुसार मोर पंख का दिव्य प्रयोग कीजिए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे किसी और आस्था की यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।